गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड सम्मिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट विश्लेषित फलन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और रीमान उसी रीमान समीकरण हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसी लास्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कोसी रीमान समीकरण का दूरी रूप पढ़ेंगे। दूरी रूप यानी वो थे एक्स और वाई में, अब हम उसको पढ़ेंगे थीटा और आर के अंदर, रेडियस और एंगल के अंदर, तो उसको दूरी रूप बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखो कोसी रीमान समीकरण का दूरी रूप, क्या करेंगे हम कोसी रीमान समीकरण का दूरी रूप, कोसी रीमान समीकरण का दूरी रूप। देखो स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट जो है नहीं, बस उसे प्रूफ करना है। देखो माना एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई आयकार बी एक्स वाई एक सम्मिश्र फलन है। माना एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयकार बी एक्स वाई एक सम्मिश्र फलन है, तथा माना सम्मिश्र फलन एफ जेड किसी सम्मिश्र प्रांत डी में विश्लेषित है, तब डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई तथा डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये नंबर फर्स्ट और ये नंबर सेकंड, इन्हें कोसी रीमान समीकरण कहते हैं, इन्हें कोसी रीमान समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। आगे देखो, अब दूरी निर्देशांक को, अब दूरी निर्देशांक को से हम जान
एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह हमने प्रूव किया था, दोनों की दिशा निकाली थी सबमिशन संख्याओं में। पहली पहली क्लास जो पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये चीजें दिखाई थी, दोनों दिशा आर और थीटा में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो और एक और चीज मापांक भी निकाला था, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इक्वल में एक्स आए ना। आइए देखो समीकरण पांच है, ये समीकरण पांच है, समीकरण पांच का, समीकरण पांच का दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का समीकरण पांच की दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो समीकरण पांच टू आर डी आर अपन आंशिक होगा, टू आर आर एक्स और वाई दोनों पर डिपेंडेंट, इसलिए डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टू एक्स, यही है। टू से टू कट गया, डेल आर अपॉन डेल एक्स आ गया एक्स अपॉन में आर और एक्स अपॉन में आर यहां से लिखा हुआ एक्स अपॉन में आर कोस थीटा, ये सेवन नंबर। ऐसे ही समीकरण पांच का इसी प्रकार समीकरण पांच का पांच की दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, टू आर डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू वाई, डेल आर अपॉन में डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन में आर इक्वल टू साइन थीटा, यहां से आ जाएगा वाई अपॉन में आर साइन थीटा, दिख रहा है लिखा हुआ। हाँ देखो याद आ गया तुम्हें, ये दूरी रूप को जो जो का पौधे काम है ये उन्होंने लिख दिए। अब देखो अब बात करते हैं समीकरण छह की। देखो समीकरण छह का कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, समीकरण छह के दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ये वाली कर एक्स के सापेक्ष जीरो वाई थीटा वाई और दोनों पर डिपेंडेंट है, इसलिए एक्स के सापेक्ष आंशिक हो गए, क्या आएगा देखो डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स, इधर तो टेन इनवर्स का क्या होता है पता है तुम्हारे को, वन अपॉन में वन प्लस वाई अपॉन एक्स के स्क्वायर मल्टीप्लाई y को मल्टीप्लाई करें x का प्लस करें 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस y अपॉन में x स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल x इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का साइन
वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्यूब क्या गया, क्या है लगे माइनस में वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू देखो ये आर साइन थीटा माइनस का आर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो मेरे पास ये रहा कि माइनस साइन थीटा अपॉन में आर नंबर नाइन दिख रहा है नंबर नाइन क्योंकि आगे देखो अब इसी प्रकार समीकरण छह का छह के दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा देखो डेल थीटा अपॉन डेल वाई डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू वन अपॉन में वन प्लस वाई अपॉन में स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई का वर्ग जाएगा वन अपॉन में एक्स डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या लेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन अपॉन एक्स एक्स कर दिया तो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आगे बढ़ में इसका मतलब एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो ये आ गया कोस थीटा अपॉन आर ये टेन नंबर इक्वेशन आ गई आगे समझे ठीक है। ये सारे दूसरे रूप आ गए डेल एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स आ गया डेल आर अपॉन डेल वाई आ गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आ गया डेल थीटा अपॉन डेल वाई आ गया। अब ये सारी चीजें अपनी आप यूज करेंगे देखो यहाँ तक आ गया समझे आया डेल आर अपॉन डेल एक्स आ गया डेल आर अपॉन डेल वाई आ गया और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आ गया और डेल थीटा अपॉन डेल वाई आ गया। आगे जी हिस्ट्री निकालिए काम आएंगे हमारे को। अब हम आगे करेंगे देखो अब हमारे को ये जो दे रखे ना कोसी रिमान समीकरण कोसी रिमान समीकरण का दूसरी रूप ये कोसी रिमान समीकरण है ये कार्तिक रूप में देखो एक्स वाई हमें निकालना आर और थीटा के रूप में तो हम ये काम करेंगे इन्हीं को आर और थीटा के रूप में चेंज करेंगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर चलते आगे देखो आगे आगे इसको एक बार और समझ लो ठीक है ना ये आगे कंफ्यूजन होगा। देखो कोसी रिमान समीकरण का दूसरे रूप लाना है ये देखो ये कार्तिक के रूप है कार्ट वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है मुझे लाना पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा भी यू और बी चेंज भी होगी यहाँ आर और थीटा चेंज हो जाएगा डायमेट्रिक ना की। देखो माना कि एफ जेड यू एक्स वाई आयता बी एक्स वाई एक सर्वेक्षण है तथा माना
सम्मिश्रण प्लेन एफजेड किसी सम्मिश्रण प्रांत डी में विश्लेषिक है, तब होगा। इन्हें कोशी रीमान समीकरण कहते हैं, यहाँ तक हमें पता है रूप क्या लाते हैं। अब दूरी निर्देशांक से हम जानते हैं कि x इक्वल टू है r cos थीटा, y इक्वल टू है r sin थीटा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है r स्क्वायर, रखते रहेंगे ना इसको लाइन में। और ये कोणांक थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स y / x, ये सब चीजें मैंने बताई थी पहले, इसलिए बताइए कि वे काम आएगी। अब समीकरण पांच की दोनों पक्षों पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले इसका इसका क्या हो जाएगा, वो 2r del r cos del x, क्योंकि r x और y दोनों पर डिपेंडेंट है। जब कोई भी वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो तो उसका हमेशा आंशिक अवकलन होता है, कंप्लीट अवकलन नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है ना, 2r del r cos del x equal to 2x del x upon 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, del r cos del x r x upon में आ x upon r यहां से आएगा देखो cos theta समीकरण 7। इसी प्रकार समीकरण 5 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या होगा, 2r del r cos del y equal to 2y del y upon del y कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, r upon में चले गया y upon r, इसकी वैल्यू sin theta। आगे देखो अब 5 का हो गया समीकरण 6 का करेंगे, समीकरण 6 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब ये देखो थीटा y और x पर डिपेंडेंट है, यदि तुम आंशिक d भी लिखोगे तो आंशिक ही करना पड़ेगा, डेल थीटा अपॉन डेल x tan इनवर्स y अपॉन x का 1 अपॉन में 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई y कांस्टेंट x से डिपेंडेंट कर लेना 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम आ गया x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस आ गया कट हो गया, y की वैल्यू r sin थीटा नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर r स्क्वायर एक r से r करके लिख दिया गया। इसी प्रकार समीकरण 6 के इसी प्रकार समीकरण 6 के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष r से अवकलन करने पर देखो del थीटा अपॉन del y इक्वल टू tan इनवर्स का दो का मूल जाएगा मल्टीप्लाई y का वर्ग और अपन अपन x का जाएगा, ये सब कुछ कट पीट गया तो cos थीटा अपन आ गया, याद आ गया समझे। अब हम कोसी विमान समीकरण के इन समीकरण को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो है उनको ध्रुवीय रूप में चेंज कर देंगे, याद है क्या cos थीटा
टेलर को नेगेटिव भी कह दी, याद करो टेलर को नेगेटिव की लास्ट में इसकी वजह थी कोस थीटा। ये डेल ऑफ फुट डेलर डेल थीटा पर टेल वाई की वैल्यू ये थी, यहां पे डेल वाई की क्या है डेल ऑफ फुट डेलर डॉट डेलर को नेगेटिव प्लस डेल ऑफ फुट डेल थीटा पर टेल, ये भी कटेगा ये आ जाएगा चेन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है ना चेन रूल। देखो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या बताया अपने पास में, ये आ गया तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर और डेल यू अपॉन डेल थीटा, यू को मुझे थीटा ही कहूंगे यू को आर के फॉर्म में ला रहा था, तो मेरे पास आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये आ गया नंबर फर्स्ट, नंबर एक डाल देता हूँ अब से ही डाल देता हूँ, ठीक है ना वहां तक के वही थे अब आगे क्या बनाएंगे वो अब निकालेंगे। डेल यू अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल वाई देखो क्या होगा, डेल यू अपॉन में डेल आर, डेल आर अपॉन में डेल वाई, फिर डेल यू अपॉन में डेल थीटा, डेल थीटा अपॉन में डेल वाई, देखो डेल ए फोर में डेल वाई डेल ए फोर में डेल आर आगे इनको आर को भी डेल आर फोर डेल थीटा साइन थीटा डेल ए फोर में डेल आर प्लस इसकी वैल्यू क्या है इसके बाद पास में डेल थीटा फोर डेल वाई कोस थीटा फोर आर डेल ए फोर में डेल थीटा ये भी आगे तुम भी आप निकालिए डेल ए फोर में डेल एक्स डेल ए फोर में डेल आर फोर में डेल एक्स और डेल ए फोर में डेल आर डेल थीटा सॉरी डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स डेल टी अपॉन में डेल एक्स क्या है था डेल टी डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है था कोस थीटा और यह के डेल टी अपॉन में डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल टी अपॉन में डेल थीटा डेल टी अपॉन डेल एक्स क्या है मेरे पास कोस थीटा डेल टी अपॉन में डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल टी अपॉन में डेल थीटा ये समीकरण नंबर सी आ गया तो आराम से देखो समझ में आएगा। ये सब क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोसी रिमान समीकरण को ही दूसरे रूप में चेंज करना है, तो मैं कोसी रिमान समीकरण के जो वैल्यू थे डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वेरीफाइड करूंगा वो भी किसकी फॉर्म में आर और थीटा की फॉर्म में। ये चेंज रूल तुमने 11th क्लास से पढ़ रखा है, 12th क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा सेकंड ईयर पढ़ रखा होगा, ठीक है आंशिक अवकलन को चेंज रूल में लिखना ताकि आप समझे। अब हम निकालेंगे डेल बी अपॉन में डेल वाई क्या देखो डेल बी अपॉन में डेल आर अपॉन में डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन में डेल आर डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल वाई ये है ना। देखो डेल बी अपॉन में डेल वाई इसकी वैल्यू साइन थीटा या कोस थीटा साइन थीटा ये डेल बी अपॉन में डेल आर इसकी वैल्यू कोस थीटा अपॉन आर और ये डेल बी अपॉन में डेल थीटा
ये मेरे पास आज की सारी चार चीजें आ गई आई। अब बखून करेंगे मुझसे ईमान सब बिगड़ के बहुत लगाई मुझे। यादें सुनते हैं, डेली अपन डेली निकाल दिया, डेली अपन डेली वाई निकाल दिया, डेली अपन डेली निकाल दिया और डेली अपन डेली वाई निकाल दिया। क्यों निकाला? वो भी किसकी फॉर्म में? आर की टाइम फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हेडिंग ये थी कि कोसी निमान समीकरण को दूसरे रूप में आर और थीटा में चेंज करना है। देखो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि कोसी निमान समीकरण समीकरण क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, ये होता है अक्षर हेडिंग की वैल्यू। समीकरण ए वे बी से देखो डेली अपॉन डेल एक्स, ये डेली अपॉन डेल एक्स कोस थीटा, डेली अपॉन डेल आर कोस थीटा, डेली अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेली अपॉन डेल थीटा इक्वल टू ये होगी डेली अपॉन डेल एक्स कोस थीटा डेली अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, ये साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा। इसको नंबर डाल दिए हम ए बी सी डी ई। आगे आने सकते तथा चूंकि ये भी हम जानते हैं डेल के फोर में डेल वाई इक्वल माइनस डेल के फोर में डेल एक्स, हाँ या ना? यस। इसमें क्या हो जाएगा? समीकरण बी व सी सी डेल अपॉन डेल वाई, ये डेल अपॉन डेल वाई साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, ये रहा माइनस कोस थीटा डेल के अपॉन में डेल आर माइनस कोस थीटा डेल के अपॉन में डेल आर प्लस माइनस 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 का प्लस हो जाएगा प्लस साइन थीटा अपॉन में आर डेल के अपॉन में डेल थीटा, ये एफ। आइए समझते हैं, यहां तक समझ में आ गया? आइए ना, आ गया? यस, डन करिए, आगे चलिए। ये समझ में आई क्या? विमान समीकरण कोसी विमान समीकरण जो थी उनका यूज करके इनकी वैल्यू रख दी, इक्वल कर दिया, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, अब इस पर स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे चल कर लो। यहाँ तक मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, आगे चलेंगे हम।
देखो समीज है ई वे एफ को जोड़ने पर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या करेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे देखो क्या होगा समझना देखो जोड़ेंगे कोस थीटा डेल अपॉन थीटा साइन थीटा डेल अपॉन थीटा ठीक है जोड़ेंगे कैसे देखो इसको तो करेंगे कोस थीटा साइन थीटा जोड़ लेते हैं इसको कोस थीटा से ठीक है वैसे पूरा ऐसे लिख लो साइन थीटा कोस थीटा है ना कोस थीटा मल्टीप्लाई ई प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई एफ देखो इसको तुमने कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया इसको साइन थीटा से ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा खत्म आ जाएगा डेल यू अपॉन में डेल आर आ जाएगा इसको तो फिर कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया इसको साइन थीटा से ये माइनस का ये प्लस का कट गया इक्वल देखो इधर इसको क्या करते हैं कोस थीटा से इसको साइन थीटा से ये प्लस का ये माइनस का कट गया इधर क्या कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा इधर क्या साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन खत्म बच गया वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा चाहे के लिए पूरा लिख देता हूं मैं फर्स्ट वाला पूरा लिख लेते हैं इसको क्या तुम मेरे कोस स्क्वायर थीटा हो गया कोस से मल्टीप्लाई किया तो डेल अपॉन डेल आर प्लस माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस ये ऐड कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा कोस थीटा डेल अपॉन डेल थीटा अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा डेल अपॉन डेल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर और प्लस इसके अपॉन क्या आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा देखो ये कैंसिल इधर ये कैंसिल इधर ये दोनों बच गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच क्या बच गया डेल अपॉन डेल आर ये कैंसिल इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा ये आ गया फर्स्ट द्वितीय समीकरण कोसी डिमांड पर आ गया आगे देखो अब हम क्या करेंगे इसको करेंगे साइन थीटा से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इसको करेंगे कोस थीटा से मल्टीप्लाई तो देखो क्या आएगा इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया डेल अपॉन डेल आर साइन थीटा कोस थीटा इसको माइनस किया कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये पोर्शन कट ये माइनस का ये माइनस का या साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा माइनस का वन अपॉन आर आ जाएगा मेरे पास डेल अपॉन डेल थीटा
इक्वल टू, इधर देखो ये वाला साइन थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया ना पहले वाले को, साइन स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, डेल के अपॉन डेल आ जाएगा। ये वाला देखो इसको किया साइन थीटा से, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल के अपॉन डेल थीटा, इधर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर डेल के अपॉन डेल थीटा, माइनस का मतलब कट जाएगा। ये आ गया देखो चार आ गए, डेल के अपॉन डेल आर, डेल के अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल के अपॉन डेल आर, चार और तीन और सिर्फ डेल के अपॉन डेल एक्स, डेल के अपॉन डेल वाई, डेल के अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई आता है। वैसे इसको चारों आने चाहिए। आगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि वन अपॉन में आर डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल आर, हाँ या ना? अतः डेल वी अपॉन में डेल आर इक्वल टू वन अपॉन में आर डेल वी अपॉन डेल थीटा और वन अपॉन आर डेल वी अपॉन में डेल थीटा इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन में डेल आर। कोशिश डिमांड समीकरण की कोशिश डिमांड समीकरण समीकरणों के दूरी है रूप है या दूरी रूप कहते हैं, आइगन फंक्शन में आगे सुन लीजिए, ये आगे कोशी रिमांड समीकरण के दूरी रूप है ना, तो ये आज का टॉपिक पूरा हो गया एक घंटे के अंदर, कम से कम 50 मिनट इसमें लगे, 40 मिनट सभी है ना, ठीक है। ये समझ में आए कोशी रिमांड का दूरी समीकरण, अगला जो टॉपिक है वो भी लेंथी है, वो इस क्लास में हम नहीं कर सकते, तो वो भी कम से कम 40-50 मिनट का है, बहुत बड़ा वीडियो जाएगा। इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं, खूब पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये जो फाइनल के लिए जो पेपर है उसमें यही पेपर ऐसा है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, बाकी पेपर जो है थोड़े ज्वेलिकल है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पेपर उसमें क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स टाइप में, ये क्वेश्चन ये चैप्टर ये जो बुक है ना ये तुम्हारी स्कोरिंग बुक है, ठीक है। इसको अच्छे से करो, इजी इजी टॉपिक्स है, आराम से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस क्लास को यही एंड करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।